व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक और न्यू कमाल का गेम प्ले वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो भैया, इस वाले गेम प्ले के अंदर हमने करे हैं 31 किल्स। तो मतलब कि पूरे मैच में रशिंग होने वाली है, पूरा इंटेंस फाइट से सारी की सारी। तो गेम प्ले वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, एंड पसंद आया तो लाइक जरूर करना। एंड पिछली बार भी मैंने एम करा था यार 2000 लाइक के लिए, वो भी आपने क्रॉस कर दिया। तो भैया, इस बार ही एम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपका सपोर्ट यार बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस बार एम करते 2500 लाइक के लिए, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना 2500 लाइक्स। तो अभी हम चल रहे हैं सीधा जोधपुर, एंड उतरते ही भैया बंदे मारते हैं। चलो, तो यहां पर मैं उतर चुका हूं अभी कंटेनर पे, एंड उतरते मुझे गन मिल चुकी है। तो तीन बंदों का तो मैंने उतरते एकदम भूतसा बना दिया, तो उसके बाद मैंने सीधा रश कर दिया क्योंकि यहाँ पर दो बंदे उतर इसको नोक कर दिए और तीसरा बचा हुआ था। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया था कि ये बंदा अलग टीम का है क्योंकि ये बंदे ने ना क्या करा, मेरा किल चुरा लिया। तो भैया, इस महाराज जी ने जिसको मैंने नोक करा था उसके मुक्के मार मार के मेरा किल चुरा लिया। अब यहाँ पर मुझे बोर्ड दिख गया, तो भैया भगवान ने भी कहा ये ले तेरा किल चोरी हुआ है, तो यहाँ से एक किल और बढ़ा ले। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड्स को मारना शुरू कर दिया दो दो बोर्ड से। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मारा क्योंकि मेरे को गन भी चाहिए थी अभी, क्योंकि एमो खत्म है, मैं कंटेनर पर चढ़ूंगा तो कोई ना कोई तो फोड़ ही देगा। तो यहाँ पर चलते हैं, एक बोर्ड को मार के उसकी गन लेते हैं, एंड फिर चलते हैं असली बंदे मारने। तो भैया, इन सबको मारने के बाद मैं इधर की तरफ आया क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा था, तभी मुझे एक बंदा इधर जो है नॉकडाउन नज़र आ गया। अब जिस बंदे ने इसको नॉकडाउन करा था वो बेचारा देखता ही रह गया मेरे को, एंड मैं उसका किल भी कंफर्म कर चला गया और उसको भी मार दिया। अब यहाँ पर इसको लूटते हैं, और भैया राइट से इतनी ज़्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा था, मतलब कि दो स्क्वाड की तो मतलब गंदी वाली फाइट हो गई थी। तो मुझे पता लग गया था भैया पूरी की पूरी स्क्वाड लो होगी, चांसेस बहुत ज़्यादा होते क्योंकि यार फाइट हो रही है तो लो तो होना कन्फर्म बात है। तो यहाँ पर अभी हम चलेंगे सीधा पुश करने, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तभी यहाँ पर मुझे एक बंदा जो है नॉकडाउन नजर आ गया जिसको मैंने कंफर्म कर दिया, एंड उसके बाद उनको फुटस्टेप यार बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ पर इसके अंदर एक बंदा बैठ के एक बंदे को रिवाइव दे रहा था और एक बंदा अलग ही टीम का नॉकडाउन पड़ा था। तो यहाँ पर मैंने दो किल कर लिए, फिलहाल मैं तीन भी कर सकता था अगर मैं पहले नॉक वाले को मारता। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फुटस्टेप आने लग गए, तो मुझे पता लग गया था यहाँ पर जो दूसरी स्क्वाड है वो भी बची हुई है। तो यहाँ पर एक बंदा लेफ्ट से आ रहा था जिसको मैंने नॉकडाउन कर दिया, एंड इसका टीममेट मुझे पता लग गया था यहीं कहीं आसपास में होगा, तो मैंने इसको फटाफट फिनिश करा, एंड तभी मुझे एक बंदे एक गन रिलोड करने का साउंड आ गया। तो भैया, ये महाराज जी हील करने जा रहे थे, बेचारे की हेल्थ बहुत कम थी। तो यहाँ पर मैंने इसको मारा तो मुझे लगा कि भैया आप जोधपुर जो है हमारा खाली हो गया होगा, बट तभी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बोट चचा तो मरे ही नहीं। तो यहाँ पर एक बोट नजर आया जिसको मैंने यहाँ पर स्प्रे दिया, और तभी वो लेट गया, मतलब अलग ही स्ट्रेटेजी, मेरे को लगा नॉकडाउन हो गया। तो यहाँ पर आने से पहले पूरा फिनिश करा और सीधा चल लिया भैया। मैंने सोचा चलो भैया अब तो जोधपुर लगभग खाली हो गया तो चलते हैं यहाँ से। तभी मुझे एक एनिमी के फुटस्टेप आने लग गए, तो चलो भैया इसको भी मार देते हैं। तो भैया, ये बंदा तब से छुप कर बैठा हुआ था और अभी ये फाइनली निकल कर आया, और मेरे को लग रहा था क्योंकि ये नॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा इसके टीममेट बचे होंगे, बट मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा तो कोई नहीं दिखा। तभी मैं यहाँ से घूमता हुआ जा रहा था, रोजोक से वापस आ रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक भागता हुआ बंदा दिखा जो कि वहाँ पर जाकर लेट गया। तो मैंने कहा चलो भैया इसको ही मार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको तो उड़ा दिया, तो एक किलो और हो गया। अभी चलते हैं सीधा पोचिंग की क्योंकि मैंने रोजोक चेक कर लिया, स्कूल चेक कर लिया, अब चलते हैं पोचिंग की। तो भैया, गाड़ी तो मेरी जिस हिसाब से रुकी थी मुझे तो लग रहा था कि मेरे अब बस गोलियां पड़ने ही वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बंदों का ध्यान इतना नहीं था खास। तभी मुझे इस शेड में से एक बंदे का साउंड आने लग गया जो कि इसके अंदर बैठ के कैंप कर रहा था। तो मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, अपने में नेट की कमी नहीं है, इस पर नेट डाल देते हैं। तो भैया, ये तो एक्सट्रीम लेवल का नूब था, मतलब कि पता नहीं क्या करना चाह रहा था, निकल कर बाहर आ गया, उसके बाद बाइजन मार रहा है, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, एंड जहाँ पर मैंने नॉकडाउन करा था बंदा वहाँ पर पुश कर देते हैं सीधा, क्योंकि वहाँ पर उसे कोई ना कोई रिवाइव तो देने आए होगा, तो वहीं पर होंगे बंदे। चलो भैया मारते हैं फिर।
तो भैया एक बंदा मैंने नेट से मार देता और इस बंदा जो है मतलब कि दीवार पर जो नीचे बैठा हुआ था इसका गन ग्लिच हो गया। तो अच्छा हुआ कि मैं घर के अंदर नहीं घुसा, इसकी गन मेरे को भारी दिख गई तो मुझे पता लग गया ये अंदर ही बैठा होगा। एंड यहाँ पर तो भैया मैं मरते मरते बच गया, वरना मैं पूरा ही खत्म हो जाता, क्योंकि मतलब मैंने क्राउच बहुत गलत टाइम पे कर दिया था। क्राउच करके मैं ना बंदे को गोल गोल घुमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये पूरा जंप करके पूरा 360 घूमा था, तो इसलिए मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ ले गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत लूटा, तो चलो मैंने कहा भैया लूटने के बाद अब यहाँ से निकल लेते हैं। तो भैया यहाँ से मैं निकल ही रहा था, तभी मुझे लेफ्ट से यार फायरिंग का साउंड आने लग गया, तो मुझे पता लग गया था कि कोई ना कोई मतलब जो बंदे हैं वो बोट मार रहे होंगे कन्फर्म, क्योंकि ऐसे तो फायर वही करते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया चल के ये लोग बोट मार रहे हैं, हम इनको मारते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके टीममेट को भी उड़ा दिया, वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही थे, वरना तो भैया मेरा अंतिम संस्कार ये लोग एक मिनट के अंदर ही कर जाते, क्योंकि यार एकदम ओपन था, कोई कवर नहीं था। अब इसको मारने के बाद मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी घुमाई, तभी मुझे एक बंदा दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट्स में आकर, पहले मुझे लगा था पूरी स्क्वाड होगी, बट यार ये भी बेचारा एक ही था। तो यहाँ पर ये बंदे मेरे को समझ ही नहीं आया नेट से मरा कैसे नहीं, पहला वाला नेट भी मैंने करेक्ट फेंका था, बट वो बंदा उस टाइम ऊपर चला गया था वो समझ आता है, बट जो दूसरा नेट था वो तो एकदम वहीं फटा था, वो फिर भी नहीं मरा, पता नहीं क्या सीन था। तो इसको मैंने मार दिया, एंड ये बंदा भी मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा मैंने ढूंढा तब जाके मुझे एक बंदा मिला। अब इसके बाद चलते हैं भैया और बंदे मारने, क्योंकि बंदे तो नज़र नहीं आ रहे, तो मैं यूएस लेकर जा रहा था सीधा जोन में, क्योंकि जोन बनी ऐसी जगह रहती है बंदे मिलेंगे कहाँ। तभी एक बाइक वाला मतलब कि इतनी तेज जा रहा था, मतलब पूरी 150 की स्पीड में, तो यहाँ पर मैंने इसके थोड़ी बहुत गोली मारने की कोशिश करी, बट वो सारी की सारी इसकी बाइक पे लगी। तो मैंने कहा चलो भैया कोई बात नहीं, इसको पुश करके मारते क्योंकि अकेला ही है। तो पहले मुझे साउंड आ रहा था कि बंदा जो है घर के अंदर था, मतलब पहले घर के अंदर घुसा और उसके बाद बाहर जाकर ये लेट गया, तो मुझे इतना पता लग गया था कि ये बंदा जो है घर से बाहर जा चुका है, तो मैं इसलिए मैं घर के अंदर एंटर होने की नहीं सोची। तो भैया ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको मार दिया, बाहर आकर सीधा लेट गया था, पहले मेरे को घर का साउंड आया था ये सीधा बाहर आ गया। अब इसके बाद इसके टीममेट भी यहाँ पर गाड़ी लेकर पहुँच गए, तो मेरे को लग रहा था कि भैया वो लोग बस ज़्यादा ना हो, दो हो तो चलेगा, अब तीन हो गए तो यहाँ पर इस एरिया में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यार ये थोड़ा सा ओपन है और मतलब गड़बड़ टाइप एरिया है। तो चलो कोई बात नहीं, इन्हें भी मारते हैं। तो यहाँ पर ये बंदा मेरे नेड मारने की सोच रहा था, मतलब अलग ही, तो मैंने इसको साइड से आकर उड़ा दिया, वैसे तो मैं लेफ्ट फ्लैंक करने की सोच रहा था, तभी पीछे से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। तो उस गाड़ी में एक बंदा था जो कि अलग स्क्वाड का था, तो मैंने कहा भैया तू चले जा यहाँ से, तू मेरे से पंगे मत ले भी, क्योंकि मेरी पहली यहाँ पर बहुत गंदी भसड़ मची पड़ी है। तो यहाँ पर चलो भैया पहले इन सबको मारते हैं जिनको, क्योंकि मैंने इधर भी एक बंदा नॉकडाउन कर दिया और रिवाइव देने तो गया ही होगा, तो चलो भैया इनको मारते हैं। तो भैया लौंडा गिली सूट पहन के रिवाइव दे रहा था, अच्छा हुआ कि ये रिवाइव देने आ गया, वरना अगर ये लेट जाता तो फिर तो मतलब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती, गेम में यही खत्म था यार। मतलब गिली वाला जब बंदा इतनी गहरी मतलब कि घनी घास में लेट जाता दिक्कत हो जाती है। तो मैं जोन में जाता तभी मुझे सामने एक बंदा भागता हुआ चमकता हुआ नजर आ गया, तो मैंने कहा चलो भैया इसको भी फोड़ देते आराम से। तो इसको तो मैंने मार के यहाँ पर फिनिश कर दिया, और इसकी किस्मत बहुत ख़राब थी, मैं एकदम आया भी उसी टाइम पे जब ये मेरे को नज़र आ गया, मतलब कि थोड़ा सा भी आगे होता तो शायद मेरे को स्पोर्ट नहीं होता,
क्योंकि फिर इतना रेंडर नहीं होता ना। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लेकर जा रहा था घरों की साइड, तभी मुझे वहाँ पर से ना एक गाड़ी जो है जाती हुई नजर आ गई। मतलब पहले हमको डर लगा कि यार ज़्यादा बंदे ना हो, तो देखा एक ही बंदा था, तो मैं सोचा इसकी गाड़ी पर टक्कर मार दूँ। और भाई बंदे ने एंड टाइम पे क्या कटिंग मारी यार, पूछो मत। इतनी तगड़ी इसने गाड़ी लेफ्ट में मोड़ी है, मेरे को तो लग रहा था पूरी एकदम बराबर ठुकेगी, बट इसने बहुत गंदी कटिंग मारी। अब इसको लग रहा था कि मैं इसका पीछा नहीं कर रहा, पर हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम पीछा करते हैं। तो भैया जी गाड़ी चेंज करने जा रहे थे और उसने देखा कि ये एक और गाड़ी सामने आकर कहाँ से खड़ी हो गई। मतलब कि यार इस क्लिप को मतलब कि 10 सेकंड पीछे करके देखना यार, एकदम वो बंदा हैरान हो गया। सारी गोलियां वो गाड़ी पे मारने लग गया, पर उसको ये नहीं पता था भैया मैं पहले ही उतर चुका और गाड़ी आगे गई है। वाह भाई क्या मारा इसको। अब इसको मारने के बाद मैं थोड़ा सा आगे आया एंड मुझे यहाँ पर मिल चुकी है मेरी फेवरेट M249। तो यहाँ पर भी M249 उठा लिया मैंने। अब तो भैया बंदे एकदम मतलब कि अब तो चिपक जाएंगे दीवार में, इतना गंदा मारूंगा। तो चलते भैया अभी और बंदे मारने। तो ये स्क्वाड तो भैया अलग ही सस्ते नशे करके बैठे हुए थे, इतनी देर से सब लोग लेटे हुए थे। और यहीं पर एक बंदा जो है यहाँ पर मैं गाड़ी लाके रोकी, मैं इधर आकर खड़े हो गया हूँ, वो गाड़ियों पे गोली मार रहा है। और दूसरा बंदा भाई डांसे से चलता हुआ है और चलती गाड़ी से उतर के नॉकडाउन हो गया। मतलब यार क्या ही बताओ, इनकी तो मतलब गलत ही सीन हुआ इनके साथ। और तभी मेरे पे एक अलग ही स्क्वाड ने पुश कर दिया। तो भैया इनका तो मतलब भूत सा बना दिया M249 से, इतना गंदा मारा है ना भैया पूछो मत, बहुत ही गलत वाला मारा इनको मैंने M249 से। बेचारे गाड़ी से उतरने तक का टाइम नहीं मिला, वो भी गाली बकरा हुआ गाड़ी चलाने वाले को। तो यहाँ पर मैंने इन सबको मारा एंड जोन के अंदर यार यही घर थे, बाकी तो पूरा ओपन था और एक पेट्रोल पंप था। तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार अंदर चल के बैठते हैं एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं अगले जोन का। तो भैया इस बंदे ने भी वही सोचा कि मैं भी वहीं पर चलकर बैठता हूँ एंड आराम से जोन मतलब कि अगले जोन का होल्ड करेंगे। बट इसको पता नहीं था कि ये चीज़ जो मैं पहले ही सोच चुका हूँ, तो यहाँ पर ही आया तो मैंने इसको भी भस्म कर दिया। एंड यहाँ पर उसके बाद मैं बंदे ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेट्रोल पंप पे यार कोई ना कोई बंदा होगा, तो वहाँ से आएगा ही। तभी मुझे जो है सामने से गाड़ी आती हुई नजर आ गई, तो मैंने कहा चलो भैया इसको मारते हैं। तो मैं मतलब कि यार जहाँ पर रिज होता है ना, वहाँ पर यार गोली चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब कि गोली चलाओगे कहीं और जल लगेगी रिज पे। तो ये बंदा जो है आराम से बच निकल गया मेरे से, वैसे इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड था यहाँ से वैसे तो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी यार इसके ऊपर पुश करते गाड़ी लेके, क्योंकि वो जोन के शायद थोड़ा बाहर चला गया हो, तो अभी चलेंगे इस पर सीधा पुश करने। तो यहाँ पर तो भैया इस बंदे के साथ मैंने स्कैम कर दिया, इसके ऊपर पहले मैंने नेट डाल दिया एंड इस बंदे को लगा कि अब नेट मेरे ऊपर फूटने वाला है, तो ये बंदा यहाँ से सीधा भाग गया। तो बट इसके साथ तो गलत ही स्कैम हो गया, इसको भी हमने फोड़ दिया। तो गाइज ये वाला जो गेम प्ले वीडियो मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि आपने देखा होगा इस गेम प्ले के अंदर पूरे टाइम भैया फाइट ही फाइट होती ही रही है। तो यार प्लीज़ मुझे नीचे अगर कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गेम प्ले जो है कैसा लगा, एंड इसी तरीके से गाइज सपोर्ट करते रहो ताकि हम जो है जल्दी से, अभी तो यार 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए आप सभी के सपोर्ट की वजह से, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी का सपोर्ट है इसीलिए आज यहाँ पर है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहो, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो। पहले तो भी एक छोटा सा रखते हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से करवा दो यार। जो लोग भी वीडियो देखते हो पसंद आया तो यार शेयर कर दिया करो। एंड यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि यार वहां पर हम मैं जो है डेली मतलब कि एकदम बेस्ट क्लिप्स डालूंगा, जहां पर मेरे अच्छे अच्छे क्लचेस आपको देखने को मिलेंगे, फनी मूवमेंट्स और भी हर टाइप की मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाओ, नीचे लिंक है फॉलो मतलब कि फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।